मत रोइए, सुनिए ना, रिक्शा लगा दीजिए यहीं पे, आप चले जाइए छोड़ के। यहाँ लगा दीजिए, हम लोग देखते रहेंगे, ऊंचा है यहाँ। रोइए मत, यहाँ रिक्शा लगा दीजिए साइड में। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इधर। लगातार हो रही बारिश से पटना जलमग्न हो गया है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी, गांधी मैदान में पानी, सड़कों पर पानी, पॉश इलाके में पानी, शोरूम में पानी, हर तरफ सब कुछ डूब गया है। लेकिन इस बरसात में लोगों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। हर कोई अपनी जीविका के साधन को बचाने में लगा है। पटना में पानी में डूबे हुए लोग अपनी तस्वीर बयां करके बता रहे हैं कि वो किस कदर मुश्किल में हैं। सोशल मीडिया पर इस बरसात में फंसे एक रिक्शे वाले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख आप भी अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगे। दरअसल ये रिक्शे वाला इस बरसात में छाती भर पानी में सड़क पर फंस जाता है, जहां वो अपने रिक्शे को छोड़कर नहीं जाता, वो रिक्शे को खींच नहीं पाता है। आसपास के लोग उसे रिक्शा छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन भला एक गरीब इंसान अपनी जिंदगी भर की पूंजी कैसे छोड़ दे, और तो और अपनी जीविका के साधन को यूं ही सड़क पर छोड़ दे तो फिर वो खाएगा क्या। आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए। मत रोइए, सुनिए ना, रिक्शा लगा दीजिए यहीं पे, आप चले जाइए छोड़ के। यहाँ लगा दीजिए, हम लोग देखते रहेंगे, यहाँ ऊंचा है यहाँ। रोइए मत, यहाँ रिक्शा लगा दीजिए साइड में। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इधर। आगे बाएं है थोड़ा ही दूर पे, अब पानी खत्म हो जाएगा थोड़ा देर बाद। मत रो, रिक्शा कहीं खींचा है, वहां तो ऊंचा है जहाँ पे अभी खड़ा है फिलहाल। इसके बाद तो धीरे धीरे और गड्ढा बढ़ेगा ना उसको। बोल दे रिक्शा छोड़ देगा, उपाय कोई, वो तो जिस गली में जा रहा था वो तो डूब के मर जाता, वो तो रोक दिए उसको। यही बोली ना, छोड़ देगा, इधर से कुछ थोड़ी होगा, हम लोग तो है ही बह जाएगा ना रिक्शा। जो उसका पूंजी है वही है। तो इस रिक्शे वाले को आसपास के लोग समझा रहे थे, लेकिन ये बस रो रहा है और अपने रिक्शे को हर हाल में अपने साथ ले जा रहा है। पानी का लेवल आप देख ही रहे हैं। हालांकि आसपास के लोगों ने उसके रिक्शे की हिफाजत करने की बात भी कही, लेकिन रिक्शे वाले ने इस रिक्शे को छोड़ने से मना कर दिया। बिहार में भारी बारिश से पटना सहित कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लोगों का जीवन ठहर सा गया है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़क से लेकर घरों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों में भारी बारिश को लेकर बिहार के 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान बिहार में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 2 अक्टूबर तक स्थिति सामान्य होने की संभावना है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पटना सहित राज्य के ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सोमवार तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारिश का हाल जाना। फिलहाल अभी भी पटना में लगातार बारिश हो रही है और स्थिति काफी गंभीर हो गई है।